हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में, और जितना हो सके उतना ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे हम। जितनी भी बेसिक जानकारी है हमारे इंडिया के बारे में, ठीक है जी, उसको हम कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जिसमें मैं आपको बताऊँगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के संदर्भ में, यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी बाउंड्रीज़ की, हमारी जो लाइनें हैं वो कौन कौन सी है और कितनी शेयर होती है किस देश के साथ, ठीक है जी। हम अक्षांश लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड की बात करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे पड़ोसी देशों को देखेंगे, ठीक है जी। तो ये पार्ट वन है। इसके बाद आपको पता है, जैसे अगर जियोग्राफी की बात करें, थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन देखें तो आप जानते हैं जियोग्राफी, इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम जियोग्राफी को टू टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है जी। नंबर वन इंडियन जियोग्राफी, और दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी के क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और इसी में जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, इसमें पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा बाउंड्रीज, माने लाइंस, ठीक है। दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के क्रम में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है चाइना, पाकिस्तान, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिस्प्यूट, मतलब विवाद, ठीक है, कि भारत का जो विवाद है वो किस कंट्री के साथ, किस चीज को लेकर या किस क्षेत्र को लेकर है, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आप जानते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं हम भारत के भौगोलिक सीमाओं को, ठीक है, भारत की भौगोलिक सीमा, ठीक है, या फिर भाग, ठीक है। उसमें हम कवर करते हैं किसको, भारत के भौगोलिक भाग में हम देखें तो आप जानते हैं इसमें हम माउंटेन्स पढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, और प्लेन्स पढ़ते हैं, मैदान, और आपके डेजर्ट हो गए, ठीक है, रेगिस्तान के बारे में हम यहाँ पर कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड पार्ट हम यहाँ इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो आप जानते हैं तीसरे पार्ट में हम कवर करते हैं रिवर सिस्टम, ठीक है, नदी तंत्र, भारत का नदी तंत्र, इसमें हम पढ़ते हैं सदन नदियों को पढ़ते हैं, और नॉर्दर्न रिवर्स को पढ़ते हैं, लेक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, और कृषि हो गया, एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेजिटेशन, वन क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल क्रम से डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडिया के बारे में, और जितना भी मोटा मोटी चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जियोग्राफी के कुछ एक बेसिक्स को, ठीक। तो आप जानते हैं ये जो जियोग्राफी शब्द है, सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, इरेटास्थनीज ने, ठीक है जी। अगर बात करें ये किस भाषा का शब्द है तो आप जानते हैं लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। जियोग्राफी क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का वर्णन, है ना, पृथ्वी की स्टडी करना ही क्या कहलाता है जियोग्राफी। अगर बात करें कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो ये डेफिनेशन दी फ्रीमैन रोप ने, ठीक है। तो तीन पॉइंट हमारे यहां से निकल के आए, जैसे कि आप जानते हैं जियोग्राफी शब्द किसने दिया, तो इरेटास्थनीज ने दिया, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और ये जो पृथ्वी की डेफिनेशन, पृथ्वी की वर्णन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ये डेफिनेशन किसने दी, फ्रीमैन रोप ने। अगर बात करें हम जियोग्राफी के फादर, है ना, जियोग्राफी के फादर किसको बोलते हैं, हिकेटियस, हिकेटियस को क्या बोलते हैं, जियोग्राफी के फादर बोलते हैं, ठीक है जी। और आप जानते हैं इरेटास्थनीज, है ना, फादर ऑफ जियोट्री, भूभौतिकी के पिता भी इनको बोलते हैं, भूभौतिकी के पिता, फादर ऑफ जियोट्री, ठीक है।
तो इतने सारे पॉइंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया के संदर्भ में, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मानचित्र ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर देखते हैं हम, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पूरा भारत है, आप जानते हैं इस भारत का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अवस्थिति देखेंगे, ये कहाँ पर अवस्थित है, हमारा जो ग्लोब है। ठीक है जी, हमारा जो ग्लोब है उसमें कहाँ पर अवस्थित है हमारा भारत। तो आप जानते हैं ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ग्लोब है, ग्लोब में आपको टू टाइप्स की लाइन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, नंबर वन आपको दिखेगी क्षैतिज लाइन और दूसरी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मतलब कि ये जो लाइंस होती है इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन तो आपको पता है, ये जो हॉरिजेंटल क्षैतिज लाइन हिंदी में बोलते, और इनको ऊर्ध्वाधर लाइंस बोलते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो यही जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भी यही है, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम बात करें इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये भू के बिल्कुल मध्य में है और दो बराबर भागों में कि पृथ्वी को काटती है या बांटती है। ठीक है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इसी ग्लोब में हम बात करेंगे कि हमारा जो भारत है वो कहाँ पर लोकेटेड है या अवस्थित है। ठीक है जी, तो आप जानते जो इंडिया है ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, लोकेटेड है ना, अवस्थित है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पर साउथ पोल, ये वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। तो इसमें हम अगर बात करें कि ये इंडिया कहाँ पर स्थित है हमारा ग्लोब में, तो ये यहाँ पर स्थित है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ये पूरा इंडिया यहाँ पर है। अगर हम बात करें कि इस इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले समझिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, ये अक्षांश रेखाएं क्या है, कितनी होती है। ठीक है, जितनी भी आपको ये पैरेलल रेखाएं दिखाई दे रही है, ठीक है, समानांतर रेखाएं, ठीक है, ये वाली है ना, ग्लोब देखा होगा सभी ने, तो ये जो पैरेलल लाइंस होती है इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो हमने देखा कि 0 डिग्री जो लाइन ये है ना, जो 0 डिग्री लाइन आप जानते हैं, ये वाली जो 0 डिग्री लाइन है, यहाँ 0 डिग्री लाइन मतलब भूमध्य रेखा, विषुवत या फिर इक्वेटर, यहां से लेके नॉर्थ पोल तक कितनी होती है अक्षांश रेखाएं, मतलब पैरेलल ये वाली लाइंस ऊपर तक कितनी होती है, 90, है ना, और यहीं से लेके नीचे साउथ पोल तक, ठीक है, साउथ पोल तक कितनी होती है, साउथ पोल तक भी होती है 90, है ना, 90। हर एक लाइन जो होती है ये एक एक डिग्री पर होती है। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 करके 90 डिग्री तक ये लाइंस होती है, और 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती है। तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 180, 90 प्लस 90, 180 प्लस एक हम इसमें और ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने इक्वेटर को इसमें ऐड करा, तो आप जानते हैं 181 जो है क्या होगी, टोटल अक्षांश रेखाएं होगी। अगर हम बात करें किसकी, देशांतर रेखाओं की, तो आप जानते हैं यहाँ सेंटर से लेके, जो हमारा सेंटर से लेके जो लाइन है, देशांतर लाइन है, या सेंटर से लेके वेस्टर्न तक और यहाँ से लेके ईस्टर्न तक, ठीक है, सेंटर से लेके वेस्ट और सेंटर से लेके ईस्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है, 180, 180, और यहां से लेके यहां तक इस तक 180, तो टोटल कितनी होगी, 360। ठीक है, तो 360 होती हमारी देशांतर रेखाएं और 181 होती हमारी
अक्षांश रेखाएं। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि यही जो भारत मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब कि इस भारत को कोई ना कोई लाइंस यहाँ नीचे मुख्य भूमि पर टच करती होगी और कोई ना कोई लाइंस हमारी ऊपर जम्मू कश्मीर में टच करती होगी। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हुआ, अक्षांशीय विस्तार हुआ। मान लो अगर इंडिया को हम यहां पे देखें, ये हमारा इंडिया की चार भुजाएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4 चार भुजाएं, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो जो अक्षांश रेखा मैंने बताई, ये कोई ना कोई लाइंस यहां से लेके टच होती होगी, इस पॉइंट पे टच होगी, है ना। तो आप जानते हैं जो यहाँ साउथ में सबसे पहले जो लाइंस टच होती है, आपको दिखाया मैंने कि ये इंडिया है, अब ये लाइनें 0 डिग्री है, यहाँ से लेके 90 यहाँ तक, 90 नीचे तक, तो कोई ना कोई लाइन तो टच करेगी इस वाले पॉइंट पे, कोई ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है, और बीच से बहुत सारी लाइनें जाएगी। तो आप जानते जो ये वाली लाइन है इसको टच करती है कौन सी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 8 डिग्री वाली जो लाइन है वो टच करेगी हमारे इस पॉइंट को, ठीक है, और जो ऊपर नॉर्थ में टच करेगी कौन सी लाइन, 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन, ठीक है, वही बात देशांतर में आएगी। तो आप जानते हैं कोई लाइन यहां टच करेगी, कोई लाइन यहां टच करेगी, देशांतर देशांतर, अक्षांश अक्षांश, सीधे वाली लाइन क्या होती है अक्षांश, और वर्टिकल लाइन क्या होती है देशांतर। तो यहां जो लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये हो गया हमारा क्या, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार बोले तो यहां से लेके ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो आप जानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये जो अक्षांशीय विस्तार है, जो हमारा भारत है, इसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट भी तो होगा, है ना। जैसे आप जानते हैं भारत है, भारत का जो राज्य अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर ऊपर हो गया, गुजरात इस साइड हो गया, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में हो गया, और साउथ में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु हो गया। तो इन्हीं स्टेटों में कोई ना कोई लास्ट क्षेत्र ऐसा होगा जो हमारा एंड पॉइंट होगा, जहां हमारी सीमा खत्म होगी। ठीक है, तो वही एंड पॉइंट देखेंगे हम, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो आप जानते हैं नॉर्थ में जो हमारा एंड पॉइंट है इंदिरा कॉल, और नीचे साउथ में देखें तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर हम वेस्ट में देखें तो आप जानते हैं सर क्रिक, विवाद भी है आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच, अगर हम बात, और इसके बीच में लाइंस भी है, रेड लाइन और ग्रीन लाइंस, रेड लाइन भारत की है और ग्रीन लाइन जो है पाकिस्तान की है। ठीक है, और इसको हम डिस्प्यूट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईस्ट में देखें तो ईस्ट में सबसे एंड पॉइंट है बलांगू, एक नाम और आता है किबुथू, और यहां सर क्रिक के साथ एक नाम और आता है गौरमाथा। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम, इतना आपको समझ आ गया तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, तो सबसे पहले देखेंगे ये जो इंडिया है ना, इसके नाम है ना, किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिया के नाम की, तो पहला नाम क्या है, इंडिया हो गया, और दूसरा नाम हिंदुस्तान, तीसरा नाम आर्यावर्त। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप जानते हैं जम्बूद्वीप, ये भी इंडिया का नाम है। तो ये सारे नाम जो है भारत के नाम मिलते हैं। और एक आपको पता है भारत 1 2 3 4 5, तो पांच नाम हो गए किसके, हमारे इंडिया के। और आपको अगर बताएं जो इंडिया है ये किसने दिया, ये यूनानियों ने इंडिया को नाम दिया, भारत को नाम दिया। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा, इसे इंडिया कहा। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आप जानते हैं ईरानियों
जो ईरानी आए उन्होंने जो है इसको हिंदुस्तान कहा। और अगर नेक्स्ट हम बात करें आर्यावर्त की, तो पुराण ग्रंथों में आर्यावर्त भारत का नाम मिलता है। अगर भारत की बात करें तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पर एक राजा हुए भरत, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी क्रम में, अब भारत में देखते हैं कि ये जो भारत नॉर्थ से लेके साउथ इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, और वेस्ट से लेके इस तक इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है जी, तो आप जानते हैं ऊपर से लेके नीचे तक नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर हम ये ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो आप जानते हैं 2933 किलोमीटर, तो ये होगी हमारी लेंथ। अगर हम यहाँ पर पड़ोसी देशों की बात करें तो आप जानते हैं यहाँ पर पड़ता पाकिस्तान, ठीक है जी, अगर ऊपर देखें तो अफगानिस्तान, यहाँ पर आप जानते हैं नेपाल, यहाँ पर भूटान, और ये वाला म्यांमार, म्यांमार को अराकान योमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस देश की बात करें, तो बांग्लादेश, ठीक है जी। अगर हम और बात करें तो आप जानते हैं यहाँ पर चाइना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी कंट्रीज है। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इन पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा देश हमारे देश के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कितनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर सीमा साझा करता है किसके साथ, इंडिया के साथ 33-23। अफगानिस्तान की बात करें तो आप जानते हैं 106 किलोमीटर, कई बुकों में 120 भी मिलता है, 109 भी मिलता है, ठीक है, तो डजंट मैटर। नेक्स्ट अगर हम चाइना की बात करें तो आप जानते हैं 88 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें नेपाल की, तो नेपाल हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर, ठीक है। अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। अगर देखें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश आप जानते हैं 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बांग्लादेश हमारे देश के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर हमारे समय मानक रेखा की, तो आप जानते हैं इलाहाबाद नैनी से 82.5 डिग्री जो लाइन है, 82.5 डिग्री लाइन है, ये कौन सी लाइन है, हमारी समय मानक रेखा है। यहीं से हमारा टाइम क्या है, फिक्स है, निर्धारित है, समय मानक रेखा। अगर बात करें कि ये कहां कहां से, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले आपको पता है यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो पांच राज्यों से होकर ये गुजरती है। कौन सी लाइन, हमारी समय मानक रेखा, ठीक है जी, समय मानक रेखा। अगर हम लाइनों में बात करें तो आप जानते हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे अगर ग्लोब में हम देखें, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ये हमारी 0 डिग्री लाइन, ठीक है, जिसको अक्षांश रेखा, और ये देशांतर लाइंस, ठीक है, चलो देशांतर को अभी फिलहाल रहने देते हैं। 0 डिग्री लाइन होगी यहां से लेके 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, इस लाइन को बोलते कर्क रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट। और 23.5 डिग्री नीचे की जो लाइन है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। यहां से 66.5 डिग्री जो ऊपर की लाइन है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक लाइन, और ये जो नीचे की लाइन है इसको बोलते हैं आर्कटिक लाइंस, ठीक है, 66.5 नीचे, 66.5 ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी लाइन, कौन सी नदी दो बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, और कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है।
तो आप जानते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा मतलब कि बीच वाली 0 डिग्री अक्षांश, इसको कौन सी नदी दो बार काटती है? कांगो नदी इसको दो बार काटती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो आप जानते हैं माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटती है कौन सी? माही नदी, जो भारत में है, एमपी में, एमपी से, ठीक है। और अगर हम बात करें मकर रेखा की, तो आपको पता है मकर रेखा को जो नदी दो बार काटती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी और आपकी कांगो, ये दोनों कहां पर है? ये अफ्रीका की रिवर्स है दोनों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, समय मानक रेखा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे तटों की, या जो हमारी सीमा है, कितनी कितनी सीमा कौन सी है हमारी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, फिर हमारी टोटल जो लेंथ कितनी है, ठीक है। तो बात करते हैं हम कोस्टल लाइन की, तो आप जानते हैं जो तट रेखा है, और तट तो कहाँ पर होगा? जहाँ पानी होगा। तो इस साइड हमारे क्या है? बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है हमारे अरब सागर, ठीक है। और आप जानते हैं इस बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर है लक्षद्वीप, ठीक है। तो अगर हम तट रेखा की बात करें, तो ये जो तट रेखा गुजरात से लेके कहां तक? वेस्ट बंगाल तक। तो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, ये जो रीजन है नीचे वाला, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें कोस्टल लाइन की, तो आप जानते हैं कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर इन द्वीपों को साथ में ऐड करें, ये जो द्वीप है, आइलैंड है, इनको अगर हम साथ में ऐड करें तो कितनी है? 7516 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि हमारी जो कोस्टल लाइन है वो द्वीपों के साथ जोड़कर कितनी है, तो 7516। अगर पूछे कि हमारी जो तट रेखा है वो कितनी है, तो 6100, ठीक है। अगर हम स्थल रेखा की बात करें, जो ऊपर वाली गुजरात से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, तो स्थल रेखा कितनी है हमारी? तो आप जानते हैं 15200 किलोमीटर। अब स्थल रेखा को ऐड करो, आप तट रेखा को ऐड करो, द्वीपों के साथ जोड़ के ऐड करो, तो टोटल जो बाउंड्री है इंडिया की पूरी, वो कितनी है? 22716 किलोमीटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम तट राज्य को। अब तट है, तट राज्य भी तो होंगे, है ना। तो तट राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर अगर देखें तो गुजरात, इसके नीचे आपका मुंबई, फिर नीचे बात करें तो गोवा, फिर नीचे देखें कर्नाटक, फिर नीचे पड़ता है केरल, और फिर यहां पर तमिलनाडु, ऊपर को देखें तो आंध्र प्रदेश, और यहां पर उड़ीसा, और फिर ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल। तो आपको पूछेगा कि पूर्वी तट राज्य कितने हैं और पश्चिमी तट राज्य कितने हैं। तो आप जानते हैं पश्चिमी 1 2 3 4 5, पांच हमारे क्या है? पश्चिमी राज्य हैं। अगर पूर्वी की बात करें तो कितने हैं? चार पूर्वी राज्य। अगर टोटल कितने तट राज्य हैं भारत में? तो नौ टोटल तट राज्य है, ठीक है जी। तो अब अगर बात करें कि तट है तो बंदरगाह भी होंगे, है ना, बंदरगाह है, पोर्ट। तो बात करते हैं यहां पर हम देखते हैं गुजरात, तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? तो गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह है, ठीक है जी। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, ज्वारिया बंदरगाह है ये, यहां पे फ्री कस्टम ड्यूटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुंबई में, तो आप जानते हैं मुंबई पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर हम बात करें हम मुंबई में, इस मुंबई बंदरगाह का कार्यभार कम करने के लिए एक पोर्ट का निर्माण किया गया, जिस जो कैसा है? कृत्रिम, ठीक है, मानव मेड, और उसका नाम है नावाशावा बंदरगाह। इसका कार्यभार कम करने के लिए बनाया गया, नावा
पेशावर, ठीक है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि यहाँ अगर देखे गोवा में, तो आप जानते हैं कि गोवा में कौन सा पॉइंट है हमारा, गोवा में हमारा बंदरगाह मारमा गांव, मारमा गांव। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में न्यू मंगलोर, आपको पता कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बेंगलोर से न्यू मंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट केरल में देखे तो आप जानते कोचीन हो गया, केरल में कोचीन बंदरगाह केरल में है। तमिलनाडु में देखे तो आपको पता गाड़ियों का जो नंबर होता है, तमिलनाडु की गाड़ियां हैं TN, टी से हो गया तुतीकोरिन, और एन से हो गया एनोर, और एक राजधानी चेन्नई, ठीक है। तो ये तीन बंदरगाह कहां पर है तमिलनाडु में, कौन कौन से, तुतीकोरिन, एनोर और चेन्नई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सबसे बड़ा क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है पैराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो आप जानते हैं हल्दिया पोर्ट जो है वो कहां पर है, वो है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब और अगर देखें तो देखते हैं इसमें कि जो ये तट हमने देखे, ठीक है, तो इनको डिवाइड किया गया है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कुछ एक तटों में डिवाइड किया, जैसे आपने पढ़ा होगा मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ठीक है, कैनरा तट, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात से लेके जो मुंबई का तट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ा तट। इसमें बहुत सारी विविधता है, बहुत बुकों में कुछ अलग भी मिलता है आपको, तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं उसको भी। तो गुजरात से लेके मुंबई का जो तट है उसको बोलते हैं काठियावाड़ा तट। अगर काठियावाड़ा तट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आप जानते हैं कालसुबाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मुंबई से लेके गोवा की बात करें तो इसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है जी, कोंकण तट। नेक्स्ट अगर हम देखें गोवा से लेके केरल के तट को बोलते हैं कैनरा तट, ठीक है जी, कैनरा तट। अगर बात करें यहाँ केरल से लेके तमिलनाडु तो इसको बोलते हैं मालाबार तट। और आप जानते हैं मालाबार तट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1498 में कौन आया था यहाँ पर, वास्को डिगामा पुर्तगाली था जो भारत आया था, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इस साइड अगर देखें तो आप जानते हैं तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल का तट, ठीक है। और जो क्या लौटता हुआ जो मानसून है वो कहां पर वर्षा करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोरोमंडल के तट पर वर्षा करवाता है। नेक्स्ट अगर बात करें आंध्र प्रदेश से उड़ीसा की तो आप जानते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। अगर उड़ीसा से पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस तट को बोलते हैं क्या, डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता बहुत सारी नदियां इस साइड आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिन्होंने क्या किया है यहाँ भूमि को काटा हुआ है और ये कटी फटी और डेल्टा बनाते हुए यहाँ पर नदियां गिरती है, ठीक है। और आप जानते हैं सबसे बड़े अगर डेल्टे की बात करें तो सुंदरबन का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में, तो आप जानते हैं कि इस पूरे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। अगर हम इस ईस्टर्न घाट की बात करें तो इसको बोलते हैं महेंद्री गिरी पर्वत, सह्याद्री गिरी पर्वत और महेंद्री गिरी पर्वत, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करें तो 1015 इसकी लेंथ बताई जाती है किलोमीटर, और सह्याद्री की बात करें तो 1600
किलोमीटर जो है सह्याद्री इस पर्वत की क्या बताई जाती, लेंथ बताई जाती। और इन दो पर्वतों, इन दो पर्वतों को जो मिलाने वाली पहाड़ी है उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आप जानते हैं डोडा बेटा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके, अगर महेंद्रीगिरी पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो आप जानते हैं विशाखापट्टनम, यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे देश है, है ना, जितने भी देश है पड़ोसी देश, वो किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान हमारे किस किस राज्य के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर देखें तो आप जानते हैं पाकिस्तान, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया और जे एंड के हो गया। ठीक, अगर दूसरा हम अगर बात करें तो आप जानते हैं भूटान की, तो भूटान आपको पता है असम हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप जानते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी जो स्टेट है हमारी अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो आप जानते हैं बांग्लादेश टच होता है पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया और असम हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अगर हम बात करें त्रिपुरा की, मिजोरम और असम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार की, तो आप जानते हैं म्यांमार किस किस के साथ टच होता है, तो नंबर वन आपका म्यांमार अगर मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये हमारे म्यांमार के साथ, म्यांमार को क्या बोलते हैं, अराकान योमा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और आपको पता है इसका जो पुराना नाम था क्या था, बर्मा, है ना, और बर्मी क्या थी इसकी राजधानी, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पाकिस्तान हो गया आपका, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, नेपाल के साथ अगर हम बात करें तो आप जानते हैं नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड हो गया और यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हमने समयमानक रेखाओं को देखा और जितनी भी ग्लोब में हमारी रेखाएं थी, कर्क होगी, मकर होगी, भूमध्य रेखा होगी, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर हम समयमानक रेखा में अगर देखें कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अगर टाइम जोन की बात करें, टाइम जोन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप जानते हैं रूस 11 हो गया रूस में। अगर यूएसए में बात करें तो आप जानते 8, अगर चीन में बात करें तो चीन में 5, अगर इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं 1। दूसरे की मांग हो रही, जब मिलेगा तो तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम कवर करेंगे, हमारे डिस्प्यूट देखेंगे और कंटिन्यू भारत के भौगोलिक भाग को भी पढ़ेंगे हम। जैसे कि आप जानते हैं हम हमारे पूरे इंडिया को अगर भौगोलिक भाग के अकॉर्डिंग हम देखें तो हिमालय को पढ़ते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ते हैं, दक्कन के पठार को पढ़ते हैं, अरावली रेंज को पढ़ते हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, नागा, मिजो, पटकोई, इन सारी पहाड़ियों को हम पढ़ते हैं, सतपुड़ा रेंज हो गई, विध्यांचल रेंज हो गई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एक पॉइंट है ना,
हिकेटियस मैंने आपको बताया जियोग्राफी के फादर है ना, फादर किसको बोलते हैं, हिकेटियस को। इनकी जो पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है वेरी इंपॉर्टेंट, जेस पेरेडिस, ठीक है, जेस पेरेडिस, ये इनकी पुस्तक है, याद रखें, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।